आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज इंडिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हम इनसे तलाक के बिल के मामले पर कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, तीन तलाक के बिल का जो मामला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल लोकसभा में तीन तलाक बिल जो पेश किया गया था, उस पर बहस हुई और उसमें जहां एक तरफ मोदी हुकूमत इस बात पर अड़ी थी कि इसको अक्सरियत से पास किया जाए, इत्तेफाक राय से पास किया जाए, वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर से जो प्रिंसिपल अपोजिशन है कांग्रेस, वो दीगर जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की। ये अपोजिशन कहना नहीं था कि कानून न बने, मुतालबा ये था कि इसको जो पार्लियामेंट की कमेटी है सेलेक्ट कमेटी, उसको भेजा जाए और वहाँ पर जॉइंट सेलेक्ट कमेटी कहलाती है वो, वहाँ पर इस पर बाकायदा चर्चा हो। जॉइंट पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें पार्लियामेंट के लोग होते हैं पोजीशन के और रूलिंग के, और इसके अलावा जिसका जो मामला होता है उनके लोग होते हैं। मसलन जैसे तीन तलाक का मामला है तो जो उलमा हैं, जो मुफ्ती हैं जो माहिर हैं, जो इस्लाम को जानते हैं, उनको बुलाया जाता जी, और जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको बुलाया जाता, उनको सब बैठ करके और फिर उसमें ये देखा जाता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मजहब में मुदाखलत हो रही है। क्योंकि कल कांग्रेस के जो लीडर हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, उन्होंने लोकसभा में अपने बहस के दौरान यही कहा कि दरअसल ये हुकूमत जो है वो किसी खास मजहब में मुदाखलत कर रही है। वो आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ये एक तरीके से खिलाफ वर्जी कर रही है, इसको ये नहीं करना चाहिए था। फिर बहुत सारे सवाल उठे, सवाल ये उठा कि भाई दूसरे माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं जी, उन पे हुकूमत तवज्जो क्यों नहीं दे रही, उसकी सारी कोशिश जो है ये तीन तलाक पर ही क्यों है, सारी हमदर्दी तीन तलाक पर ही क्यों है, भाई दूसरे माइनॉरिटीज के मसाइल हैं उन पर गौर किया जाए। तो बार बार अपोजिशन की तरफ से चेयर को मुखातिब किया गया, उनसे डिमांड की गई कि इसको वापस लिया जाए, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और सिलेक्ट कमेटी में जो तय हो उसके बाद कानून बने, यानी किसी ने कानून की मुखालफत नहीं की। अगर कोई गलत कर रहा है, तीन तलाक का मिसयूज कर रहा है, तलाक 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 व्हाट्सएप पे भेज दिया, तलाक तलाक करके मेल कर दिया, हाँ, या गुस्से में आकर के किसी की जिंदगी एक लम्हे में बर्बाद कर दी, तो उस पर पाबंदी आयद हो, उस पर रोक लगे, इसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा है जी। लेकिन जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, असदुद्दीन की बातों से, बहुत सारी बातों से इख्तलाफ किया जा सकता है जी, लेकिन ये बात तो सही है कि अगर मोदी गवर्नमेंट ये शो करने की कोशिश कर रही हो कि साहब मुल्क की जो 15-20 करोड़ औरतें हैं जी, वो सब बिल के हिमायत में हैं और मर्द जो है बिल के मुखालिफ हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जिनके साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो जाहिर बात है कि वो जब आदमी जला होता है जी, मिसाल तौर पर आप ये कह लीजिए कि जिनके लोग 2002 में मारे गए गुजरात दंगे में जी जी, वो आज भी मोदी को बुरा कहते हैं जी, बिल्कुल, लेकिन वो पीएम तो बन गए। तो इसलिए जिनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उस ज्यादती की बुनियाद पर ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज को बिल्कुल तोड़ दिया जाए, कानून को तोड़ दिया जाए और आप बिल्कुल ऐसा लगे कि साहब आप बिल्कुल मसीहा बन गए। तो ये सब चीजें, एक तरफ आप ये हिमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ नोएडा में आप पार्कों में नमाज पाबंदी कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप जो है वो उर्दू की जो वैकेंसीज हैं, जो उर्दू असाज़ा के, उसको खत्म कर रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि लोग समझ नहीं रहे, तो समझ रहे हैं लोग कि आप चाहते क्या है। फिर आप ये देखिए कि आप जो है वो 3 साल की सजा रख रहे हैं, 3 साल की सजा बहुत खतरनाक चीज है, जिसको 3 साल की सजा हो जाए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, 6 साल बाहर हो जाएगा, और इस तरीके की चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीजों को मेरे ख्याल से वाकई
सिलेक्ट कमेटी भेजना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए हुकूमत को। अगर वाकई वो दयानतदार है, अगर वो चाहती है कि मुस्लिम औरतों के मफाद में कदम उठे, तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। और बहुत ईमानदाराना देखिए काम होना चाहिए। पोलराइजेशन की सियासत, ये साबित करना था कि मैं मुस्लिम जो इंस्टीट्यूशन हैं, मुस्लिम के जो इदारे हैं, मुस्लिम का जो एक मजहबी जो उनका ढांचा है उसमें हम दाखिल हो रहे हैं, उसको हम वो कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, इससे अक्सरियती तबका खुश हो जाएगा। देखिए ये कतई तौर पर ठीक नहीं है। और जो छोटे लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर रोड पर जो गाड़ियां चलती हैं, तो जो बड़ी बस होती है, ट्रक होता है, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो छोटी गाड़ियों को देखे। छोटी गाड़ियां हो सकता है गलती कर दें, लेकिन छोटी गाड़ी अगर गलती भी करेगी तो ट्रक कोई नुकसान नहीं होगा। तो लेकिन अगर ट्रक ने गलती की तो छोटी गाड़ियां कई गाड़ियों का डैमेज हो जाएगा। तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जो अच्छा कुछ ऐसा हादसा होता है तो बड़ी गाड़ी को ही लोग कहते हैं आमतौर से, छोटी गाड़ी को नहीं कहते। तो इसलिए यही दस्तूर मुल्क में लगता है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी अक्सरियत की है, जो बड़े जो 80% है। लेकिन 20% से डरा के 80% का पोलराइजेशन किया जाए, ये ठीक नहीं है। और इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं। बस मैं यही कहूंगा कि लोकसभा से तो पास हो गया बिल, राज्यसभा में गया है, वहां पे भी बहस होगी। तो लेकिन जो असल इशू है उस पर बहस नहीं हो रही, इस तरीके की चीज़ें पे बहस हो रही। मैं समझता हूं कि इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क जिस पसमानदगी की तरफ जा रहा है, मुल्क जो कि जो इक्तसादी सूरत हाल ख़राब है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसानों की कर्ज माफ़ी पे हाय तौबा मची हुई है, इन तमाम चीज़ों पर डिबेट हो, इन तमाम चीज़ों पर बहस हो। और यही मुल्क का मसला है, और इसी से मुल्क ग्रो करेगा। तीन तलाक हो ना हो, इससे मुल्क जो है ग्रो करने वाला नहीं है, इसका कोई बहुत बड़ी बिल नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब। शुक्रिया नाजरीन। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे इंकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रज़ी साहब। आज हमसे तीन तलाक बिल मामले पर कुछ खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। खुदा हाफिज़।